गोवा क्षेत्र में एक गल्ला व्यापारी के संग 14 लाख की लूट हुई है, जिसमें गांव वालों द्वारा एक स्कॉर्पियो गाड़ी को घेरकर रोक लिया गया है। आरोपियों की गाड़ी का टायर फट गया, जिससे वो गाड़ी छोड़कर भाग गए हैं, परंतु पैसे और आरोपी मौके से फरार हैं। अब उनको पकड़ने के लिए पुलिस सर्चिंग और ढूंढने के लिए अभियान चला रही है। यहाँ पर गांव वालों ने अच्छा काम करते हुए आगे से घेर लिया था, जिससे ये गाड़ी छोड़कर मौके पर भाग गए हैं और गाड़ी का एक टायर भी पंचर हो गया है। और आसपास के खेतों में छुपे हुए हैं, ऐसी सूचना है। ये देखिए गाड़ी, ये जो गाड़ी जिससे यहाँ पर इस छुपे होने की सूचना मिली है, ये सिंध नदी के किनारे के बीहड़ हैं, जिनके आसपास जो खेत हैं उसमें ये आरोपी छुपे हो सकते हैं। ये देखिए बगल में नदी हुई है ये, और यहीं ये भाग कर आए हैं। ये चारों तरफ से इन खेतों को कवर कर लिया है। ये नदी के उस तरफ भी तैर करना चले जाएँ। ये एक पार्टी पुलिस की है जो वहाँ आपको दूर से दिख रही है, पुलिस की एक पार्टी वहाँ भी भेजी गई है ताकि नदी के उस तरफ से भी कवर किए जाएँ। और ये सब पुलिस है जो चारों तरफ से इन खेतों को घेर लिया है। बदमाश इसी खेत में या आसपास के खेतों में कहीं छुपे हुए हैं, इसलिए दूर से चारों तरफ से पुलिस ने इन खेतों को घेर के रखा हुआ है। और एक व्यक्ति पेड़ पर भी चढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वो दूर तक नजर रख सके। जो गोहद में व्यापारी से द्वारा जो लूट हुई थी, वो जो चार लोग उसमें थे, फरार पुलिस ने उन्हें घेर लिया और शॉर्ट एनकाउंटर चल रहा। मैं दिखाना चाहूंगा कि काफी भीड़ है और भीड़ के अलावा यहाँ फायरिंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं आवाज भी आ रही है, फायरिंग हो रही है बराबर यहाँ। और डकैतों और जो लुटेरे हैं और उनके पुलिस के साथ एनकाउंटर चल रहा है। मैं काफी दूरी पर हूँ यहाँ पर, फिर भी दूर से मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि लास्ट तक दिखाएं, वो देखो पूरी भीड़ लगी हुई है, ग्रामीणों की भी भीड़ है वहाँ पर। उस तरफ देखिए जब पुलिस चारों तरफ से बदमाशों को घेर लिया, बदमाश फायर भी कर रहे हैं और पुलिस भी अपने बचाव में यहाँ फायर कर रही है और अभी भी एनकाउंटर जारी है। सौरभ शर्मा सर, ये देखिए एनकाउंटर में इस बदमाश के घुटने के नीचे गोली लगी है। ये हमारी टीम उसको लेकर आ रही है। बहुत ही शातिर अपराधी है, बिहार का है। कई आरोप हैं इस पर, हत्या के, लूट के, और इन्होंने गुजरात में एक व्यापारी से 2.5 करोड़ की लूट भी की थी। उस अपराध में ये पैरोल पर अभी अभी छूट कर आए हैं कुछ दिनों पहले, और उसके बाद इन्होंने जस्ट यहाँ पर इस घटना को घटित किया है। ये SP साहब जानकारी लेते हुए अभी बाकी है। आपको बता दें कि आरोपियों से हथियार बरामद हुए हैं और लूटी गई रकम में से 12 लाख रुपए भी। ये देखिए ये पैसे जो लूट में गए थे बरामद कर लिए गए पुलिस द्वारा। ये हमारा पुलिस बल पूरा खड़ा हुआ है, एडिशनल SP, SP। ये वो आरोपी है और इसके संग 3 आरोपी और थे, जिसके पैर में गोली लगी है, उसको अलग गाड़ी में रखा गया है, उसे इलाज के लिए भेजा जा रहा है। SP साहब उससे चर्चा कर जानकारी ले रहे हैं। और ये बाकी के जो आरोपी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। 2 आरोपियों के पैर में चोट लगी है, एक के पैर में गोली लगी है और एक के पैर में चोट लगी थी, जिन्हें एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है हॉस्पिटल के लिए। ये SP साहब घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर ये आरोपियों से चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए ये बैग, वो जिसमें लूट की रकम बरामद की है पुलिस द्वारा। ये वो टीम है जिसके इस काम को अंजाम दिया है। ये हमारे ज़िले की बहुत ही काबिल टीम है। इन्होंने कई ऐसे आरोपियों को पकड़ा है और जान पर खेलकर हम लोग ये काम करते हैं। लोगों को देखने में पुलिस की लाइफ बहुत आसान लगती है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, एक जो इनका आरोपी है वो इसमें उसको पैर में जो है वो लगी है और वो घायल हुआ है, और बाकी एक अन्य आरोपी भी जो गिरा था तो उसको गिर कर भी कुछ चोट आई है, वो मेडिकल के दौरान उसका स्पष्ट होगा। इस तरह यहाँ जो घटना में करीब 4 लोग थे उनको यहाँ मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इसके अलावा इनके द्वारा जो बताया जा रहा है इसमें 2 लोग और हैं जो जिन्होंने इसमें सूचना देने का काम किया था, जो मूल रूप से वहाँ पल्लेदारी का काम करते हैं। इसके अलावा इनके 2 अन्य सहयोगी हैं जो इस घटनाक्रम में इनके साथ शामिल थे। ये देखिए रूपेंद्र नाम के व्यक्ति ने ये रेकी की थी और उसने वहाँ के कुछ लोगों को भी अपने साथ मिलाया था, लोकल के व्यापारी की रेकी की गई। उसके बाद ये जो
अहमदाबाद से छूटकर आए थे पैरोल पर। इन्होंने षड्यंत्र रचा और व्यापारी के साथ 14 लाख की लूट को अंजाम दिया था, लेकिन हमारी जांबाज पुलिस ने उसको पकड़कर लूट का खुलासा किया, साथ ही पैसे भी बरामद किए। और ये लोग आदतन अपराधी हैं। इसमें बिहार का जो है वो जिम संचालक भी है और शार्प शूटर भी है।